तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में हमारी ये चिकन बिरयानी और बिल्कुल रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सैर अरुण किचन। दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कच्चे चिकन की हम बिरयानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने दो तीन बार अच्छी तरह से धो लिया है और गर्म पानी से मैंने इसको धोया है, थोड़ा सा गुनगुने पानी से। और इसके बाद ये पकने के लिए बिल्कुल हो गया है रेडी। तो यहाँ मैंने ये लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें दो बड़े हम चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें यहाँ ये लिया है मैंने तीन चम्मच मसाला, बिरयानी मसाला। तो ये मैंने घर में ही तैयार करा है, बिरयानी मसाला है ये। इसमें मैंने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जावित्री, आधा चम्मच लौंग और आधा चम्मच छोटी इलायची और एक बादियान का फूल। बस ये मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से। तो ये सारा ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लेमन। तो यहाँ ये लिया है मैंने लेमन, तो इसका हमें जूस डाल देना है। तो आप चाहें तो पूरा एक नींबू डाल दें, अगर बड़ा हो तो आधा डालें और अगर छोटा है तो पूरा एक डाल दें। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा दही। तो दही मेरा थोड़ा सा आज ये पतला है, तो इसमें मैं 4 से 5 चम्मच डाल रही हूँ। इसका मतलब कि 2 चम्मच फुल भर कर डाल दें, बस इतना ही मैं डालूँगी। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें नमक। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च। तो 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, चाहे तो हाथ से मिला लें चाहे चम्मच से मिला लें, एज योर चॉइस। तो इसे मिला लेते हैं, फिर हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। और 1 ही घंटे के लिए हम रख देते हैं चावल को भिगोने, क्योंकि चावल जो है वो भीगने वाला है, तो 1 घंटा लगेगा उसे। तो इसे मिला कर रख देते हैं और चावल को भी रख देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ हमने एक बड़े से भगोने में पानी ले लिया है और पानी हमने चावल का 4 गुना लिया है। और यहाँ मैं कुछ इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ये मसाले। तो यहाँ मैंने ये लिया है बादियान के फूल। तो ये 2 बादियान के फूल लिए हैं, ये टूटे हुए हैं इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास साबुत हो तो 2 ले लें। और ये 6 से 7 ली हैं मैंने ये लाल वाली मिर्चें। तो अगर आपने अब तक ये वाली मिर्चें नहीं यूज़ की हैं तो डालकर देखें, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने ली है यहाँ 6 से 7 लौंग, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इलायची, ये मैं 7 से 8 इलायची इसमें ऐड कर देती हूँ छोटी। और फिर अब हम इसमें डालते हैं नमक। तो 1 किलो चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से हम चावल के हिसाब से नमक हमें ऐड नहीं करना है, हमें पानी के हिसाब से नमक ऐड करना है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये 3 बड़े चम्मच नमक, और कम होगा तो हम और भी डाल देंगे। तो नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अगर पानी में नमक चटक होगा इसका मतलब चावल में बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसको अच्छी तरह से हम बॉईल हो जाने देते हैं और उसके बाद हम इसमें चावल डालकर 50% हम चावल को पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक लिया है, क्योंकि कुछ लोग बिरयानी में कम ऑयल डालते हैं और ऊपर से घी डाल लेते हैं, लेकिन मैं एक ही बार ऑयल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 बड़ी प्याज और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो
तो इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। इसको हमें बस जब भी आप प्याज को फ्राई करें तो इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से एक सी ही हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, क्योंकि अक्सर प्याज जल जाती है। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल इक्वल रखें, ना ज़्यादा बढ़ाएं ना कम करें बार बार। तो बस हम इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसमें चिकन ऐड करके थोड़ा सा हम 50% हम चिकन पका लेंगे, क्योंकि 50% ही हम चावल को बॉईल कर रहे हैं और 50% हम चिकन को पकाएंगे। तो यहाँ हमने प्याज को निकाल लिया है और अब हम डाल देते हैं इसमें 3 छोटी इलायची और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन को रखे हुए भी हो गया है कम से कम 1 घंटा और चावल भी हमारा 1 घंटा हो गया है भीगे हुए। तो सारे चिकन हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सारा चिकन हमने ऐड कर दिया है इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी दही में भी था और चिकन भी रिलीज़ करता है। तो इसी में इसको हम पकने देते हैं और ढककर इसे हम पका लेते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि ये टेंडर हो जाए 50%। और उधर हमने चावल भी इसमें ऐड कर दिए हैं और चावल को हम आपको दिखाएंगे अब ड्रेन करके। तो ये मैं अपने स्टाइल की बिरयानी बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ चिकन की बिरयानी, बहुत सारी तरह मैं बनाती हूँ और कई तरह की बिरयानी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड हैं। तो ये एक आज नई तरह से मैं बता रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो इसे पका लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने चावल को ड्रेन कर लिया है और इसमें मैंने छन्ने में एक स्टैनर में बड़े में निकाल लिया है, उधर हमारा चिकन भी टेंडर हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी लेयर लगाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने नीचे रखा है थोड़ा सा चिकन, उसके ऊपर ऐड थोड़े से डाल दिए हैं चावल। अब इसके बाद हम फिर थोड़ा सा चिकन रखेंगे इस पर। मैं इसी तरह लेयर लगाती हूँ इसमें, अगर आप चाहें तो सबसे पहले नीचे सारा चिकन रख दें और उसके ऊपर से चावल डाल दें, लेकिन जब 2-3 लेयर लगाते हैं इस तरह से तो चिकन जो है वो बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप सबसे पहले चिकन रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ इस तरह। और इसके बाद हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं और एक बार लेयर डाल देते हैं चावल की, और फिर उसके बाद बाकी जो चिकन बचेगा हम वो ऐड कर देंगे। तो 2 लेयर हो गई हैं, अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन जो हमने फ्राई करके रखी हैं। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और इसी तरह लगाएंगे हम। प्रोसेस हो गया है हमारा लेयर लगाने का। तो अब मैं इसमें मैंने ये 2 चम्मच केवड़ा वाटर लिया है और 2 चम्मच केवड़ा वाटर में मैंने ये लिया है फूड कलर, तो इसको मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद हम गैस को फ्लेम कर देते हैं फुल फ्लेम पे। हम इसको ढक के पका लेते हैं, इस तरह से ढक देंगे और पहले 5 मिनट हमें फुल फ्लेम पर रखना है। फुल फ्लेम का मतलब होता है कि चावल जो ठंडे हो गए हैं तो वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसलिए हम 5 मिनट फुल फ्लेम पे रखते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट तक रखना है स्लो फ्लेम पे। उसका मतलब ये होता है कि अब हम इसे स्लो फ्लेम पे दम दे रहे हैं। तो चलिए ये प्रोसेस भी कर लेते हैं, फिर अब हम आपको डायरेक्ट डिश आउट करके दिखाएंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में हमारी ये चिकन बिरयानी और बिल्कुल रेडी हो गई है, और ना तलने का झंझट है और ना किसी का चिकन को, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी बनके तैयार हुई है और बिल्कुल गर्म गर्म है। तो सब लोग आ जाइए और बिरयानी को एक बार ज़रूर टेस्ट करके देख लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें, और लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हमें अपनी दुआ में याद रखें। और प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, झटपट वाली बिरयानी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।